हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साहिल ड्राइविंग कॉलेज में। मैं हूं आपका दोस्त साहिल। ये है हमारा स्कूटी ड्राइविंग लेसन नंबर 5। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सीलेटर को कैसे मैनेज करें, हैंडल को कैसे कंट्रोल करें। अक्सर लोगों को जो डर होता है कि एक्सीलेटर एकदम बढ़ जाएगा तो हम के गिर न जाएँ, कहीं टकरा न जाएँ, तो उसको कैसे मैनेज करें। और कई बार लोगों को डर होता है कि हमारा हैंडल जो है वाइब्रेट कर रहा है, कंट्रोल में नहीं रह रहा, तो ऐसा नहीं होगा हम इधर उधर जो है टकरा जाएँ। तो हम दोनों चीज़ें इस लेसन में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हाउ टू ड्राइव स्कूटी लेसन नंबर 5। तो एक चीज़ हमको आपको जो है पहले क्लियर कर दें कि स्कूटी चलाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही स्कूटी रोकना इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग जो एक्सीलेटर देने की वजह से गिर जाते हैं, कई बार लोगों के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, वो कुछ का कारण ये होता है कि वो एक्सीलेटर देना सीखते हैं, ब्रेक करना नहीं सीखते हैं। तो इस चीज़ को समझिए अच्छी तरह से कि जैसे स्कूटी चलाना इम्पोर्टेंट है वैसे ही स्कूटी को रोकना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, ब्रेक कितनी जगह काम आता है पहले समझिए। अगर आप स्लोप में चढ़ रहे हैं और अगर स्कूटी आपके पीछे आने लगे तो आप ब्रेक दबाएं, स्लोप में उतर रहे हैं तो ब्रेक दबाएं, स्पीड ब्रेकर पे आपको ब्रेक दबाना है हल्का सा, टू व्हीलर स्टार्ट करें तो दबाने के बाद फिर सेल्फ लगता है, स्टैंड पे खड़ी करते हुए, स्टैंड से उतारते हुए, हर जगह आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। जबकि एक्सीलेटर पे आपको इतना नहीं करना होता, एक्सीलेटर सिर्फ एक जगह काम आता है आगे जब स्कूटी को मूव करें। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ डायरेक्टली जो है एक्सीलेटर को हम बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से हमको चोट लग जाती है। तो हमको पहले ये करना है कि स्पीड जितना कंट्रोल करना ज़रूरी है वैसे ही जो है स्पीड बढ़ाना और कंट्रोल दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करके चलना है हमको, ठीक है ना। देखिए, अक्सर लोगों का जो डर है ना वो इससे शुरू होता है क्योंकि इसको ज़्यादा देने की वजह से ही, इसको बढ़ाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं या गिर जाते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं किस तरह से आपको मैनेज करना है। देखिए, इस पर फोकस करना होगा आपको। आपको उसको धीरे धीरे बढ़ाना होगा और फिर कम करना है, पूरा नहीं घुमाना है आपको, 5% या 10% इससे ज़्यादा नहीं घुमाना है। ये देख सकते हैं आप, धीरे 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 आपको टाइम लेना है इसके लिए, एकदम नहीं घुमाना, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। धीरे धीरे को घुमाइए इसको, धीरे धीरे टाइम लगेगा, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, फिर जैसे चलने लगे आपको बस धीमा करना है और लेफ्ट साइड में जो ब्रेक है, लेफ्ट हैंड वाइप साइड पे जो ब्रेक है उसको दबा देना है। वापस देखिए, मैं बार बार आपको यही प्रैक्टिस इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो डर होता है बहुत से लोगों को कि घिर न जाए, टकरा न जाए, तो वो डर निकल जाएगा इससे। इस तरह से करना है फिर कम करना है। अब आप सोच देखिए, ध्यान से देखेंगे आपको पता लगेगा मैं एक्सीलेटर समझ लीजिए 25% तक भी मूव नहीं कर रहा हूँ। देखिए देखिए, सिर्फ इतना सही, देखिए ये इतनी प्ले रहती है, हर टूले में इतनी प्ले रहती है। उसके बाद हल्का सा धीरे धीरे देखिए ये बढ़ाया, जैसे गाड़ी मूव होती है हमको कम करना है और ब्रेक को दबा देना है, लेफ्ट साइड जो ब्रेक है उसको दबा देना है। वापस देखिए इस तरह से, ये देखिए जैसे गाड़ी ने मूव किया, हमारी स्कूटी मूव किया, कम करना है हमको, ये ब्रेक दबा देना है। वापस देखें, अगर आपने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो आप समझ लीजिए आपने 50% ड्राइविंग सीख ली, ठीक है ना। ये देखिए, आ रहा समझ में, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, फिर वापस बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, लगातार 4 दिन 5 दिन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर इसको थोड़ा हम धीरे बढ़ाएंगे, एकदम नहीं बढ़ाएंगे, बस जहाँ चलने लग जाए। जैसे आप देखिए, वापस गौर से देखिएगा, जहाँ स्कूटी हमारी मूव करने लग जाएगी उसके बाद हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। देखिए देखिए, हमने धीरे धीरे बढ़ाया, अब जहाँ हमारी स्कूटी मूव करने लग गई उसके बाद हाथ को स्टेबल रखना है, बढ़ाना नहीं है और फिर कम करना है और ब्रेक को दबा देना है। वापस दोबारा यही करना है, बार बार इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। ये देखिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं हैंडल को कैसे मैनेज करें। अक्सर लोगों को डरता है ना कि हैंडल इस तरह से वाइब्रेट करता है, मैनेज नहीं होता है, तो हम उसको मैनेज करना सिखाते हैं। आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो घबराना छोड़ दीजिए, घबराने से काम नहीं होते, एक्शन लेना होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले दोनों पैरों को ज़मीन पर इस तरह से टच कर लेना है। अब आप देखिएगा, मेरी हाइट भी कम है, बहुत से लोगों को होता है कि हाइट कम होती है इसलिए बैलेंस नहीं बनता, तो ऐसा नहीं है, मेरी भी हाइट कम है, पैर देखिए पूरे टच नहीं हो रहे हैं, दोनों तरफ हल्के हल्के पैर टच हो रहे हैं। तो आपको इस तरह से करना है, पैर को टच करना है, आपका गाड़ी स्टार्ट है, टू व्हीलर स्टार्ट है। अब देखिए, आपको सिर्फ इतना करना है, थोड़ी देर आपको चलाना है गाड़ी को और फिर रोक देना है, बस आपको इस तरह से करना है। देखिए, रेस देना है, थोड़ा चलने लगे फिर रोक देना है, पहले 1 फीट, 2 फीट,
3 फीट इस तरह से धीरे बढ़ाएंगे, पहले 1 फीट की प्रैक्टिस करें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, ये देखिए। बट आपकी का जो टू व्हीलर है वो बिल्कुल सीधा चलना चाहिए और तिरछा नहीं जाए, तो शुरुआत ही अगर हम ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये देखिए, पहले आपका 1 फीट पर अगर बैलेंस अच्छा हो जाएगा, 1 फीट चलाने पे बैलेंस अच्छा हो जाएगा, फिर 2 फीट चलाइए इस तरह से, फिर ब्रेक दबा दीजिए, बस इस तरह से आपको करना है। ये अगर आपका ये बैलेंस अच्छा हो जाता है उसके बाद आपको जो है दूरी बढ़ानी है, क्योंकि हम क्या करते हैं गलती अक्सर कि डायरेक्ट ही हम 5 फीट 10 फीट चलाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारा जो बैलेंस है वो इन पैरों से मैनेज होगा। ये देखिए अक्सर क्या होता है बैलेंस बिगड़ने का कारण, एक तो ये होता है कि हम एक्सेलरेटर ज़्यादा दे देते हैं, उससे हमारा जो है कंट्रोल बिगड़ जाता है, और दूसरा जो है पैर ज़मीन से उठा लेते हैं, हमको पैर अभी उठाना नहीं है, बैलेंस जब तक नहीं बनता तब तक। अगर हैंडल थोड़ा हिल भी रहा है ना, इस तरह से मूव कर रहा है, तो करने दीजिए। ये देखिए इस तरह से अगर हिल भी रहा है तो हिलने दीजिए, बट फिर 2 फीट 4 फीट जितना आप मैनेज कर सके, हल्की रेस देनी है और ब्रेक दबा देना है, और रेस एकदम नहीं देनी है आपको। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मैनेज कर सकते हैं आप। इसका ब्रेक का इस्तेमाल अभी नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड जो ब्रेक है उसका इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, देखिए मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, पहले आपको 1 से 2 फीट प्रैक्टिस करनी है। ये हैंडल हिल रहा है, थोड़ा बहुत हिलने दीजिए आप उसको, अगर टाइट पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपसे कंट्रोल में नहीं आएगा, थोड़ा सा मूव कर रहा है करने दीजिए। ये हल्का सा हिलेगा, धीरे धीरे करके कंट्रोल में आएगा। आप चाहेंगे कि एक ही दिन में आप सीख जाएं या एक दिन में हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा लेसन नंबर 5 हाउ टू ड्राइव स्कूटी पसंद आया होगा, और पिछली वीडियो की तरह आप इसको भी लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मुझे आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हमारे आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश करें, और अगर आपको कुछ किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए ड्राइविंग संबंधी तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम आप जल्द से जल्द आपके लिए दूसरी वीडियो भी बना के लाएँ। तब तक के लिए जय हिंद।